प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को और प्रेस करें बेल आइकन न्यू वीडियो पाने के लिए। हेलो गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3D इफेक्ट्स। तो इसको हम लोग 3D इफेक्ट्स जो कि बिटमैप्स में होता है 3D, अभी ये इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग सामने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम लोग इस इफेक्ट को पिक्चर में यूज़ करते हैं। तो इंपोर्ट में जाकर कोई इमेज ले लें, जैसे मैं इस इमेज पर यूज़ करना चाहता हूँ, क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे और ड्रैग कर लें। जिस साइज़ का चाहिए उसी साइज़ का आपका इमेज आ जाता है। अब अगर यहाँ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि टोटल वर्क में आ गया। अगर उसके बावजूद अगर कभी कभी वर्क में नहीं आए तो आप कन्वर्ट टू बिटमैप करके ओके कर लें तो टोटल वर्क करना स्टार्ट कर लेगा। तो 3D में जैसे देखिए, अगर आप इमेज को 3D रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप अपने इमेज को 3D रोटेट कर सकते हो, यहाँ से इंक्रीज करके, या फिर आप यहाँ से घुमा भी सकते हैं यहाँ के डायरेक्ट कि आपका इमेज किस तरह से 3D रोटेट कर गया। अगर आप उसको पकड़ कर इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, डाउन पकड़ के कर सकते हैं, अपने माउस के लेफ्ट बटन से जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह से ड्रैग करके और उस तरह से कर सकते हैं, या फिर नंबर के यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज करके भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो इसे आप चेक कर लीजिए और साथ ही साथ आप 3D में जाइएगा तो सिलेंड्रिकल अगर आपको करना है तो सिलेंड्रिकल जैसा आप कर सकते हैं। यहाँ से बस आपको इंक्रीज करना है तो आप देखेंगे कि आपका इमेज जो किस तरह से सिलेंड्रिकल बेस पर हो रहा है। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, एम्बॉस कर सकते हैं पेज कर्व, बहुत ही बेहतरीन ये इफेक्ट होता है। पेज कर्व में क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पेज का जो कॉर्नर भाग है मुड़ गया है। तो आप इसके डायरेक्शन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट साइड का अप में चाहिए तो लेफ्ट साइड के अप में देखिए हो गया, डाउन में चाहिए तो लेफ्ट के डाउन में हो जाता है, राइट के डाउन में चाहिए तो राइट के डाउन या अप में। इस तरह से आप करके और बेहतरीन लुक पा सकते हैं। और ये आपको ऑक्यूपाई या ट्रांसपेरेंट में चाहिए ये डिसाइड कर सकते हैं आप यहाँ से क्लिक करके। देख सकते हैं अभी ट्रांसपेरेंट शो नहीं कर रहा है, क्लिक करने पर देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट यानी आर पाई ये मुड़ा हुआ भाग से भी दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर कर्ल का आप कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं येलो हो गया। हाइट वगैरह इंक्रीज करना हो तो देख सकते हैं किस तरह से ये इंक्रीज कर रहा है, कम करना हो तो कम कर सकते हैं, विड्थ अगर बढ़ाना हो तो विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं ऊपर की ओर से किस तरह से बढ़ गया ये। तो इस तरह से एक बेहतरीन लुक पा सकते हैं और यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए तो ये उसी प्रकार से अप्लाई हो जाता है। कंट्रोल जेड में कर लेता हूँ फिलहाल। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज कर सकते हैं, जैसे पर्सपेक्टिव मोड में अगर आपको करना हो अपनी इमेज को तो क्लिक करके और यहाँ से डायरेक्टली पकड़ कर आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए तो देखेंगे उसी प्रकार से आपका इमेज हो गया, डाउन कर दिया मैंने तो डाउन, बस माउस के लेफ्ट बटन से ड्रैग करके आपको ये शेप तैयार करना है। अगर इसमें चाहिए तो इसे इस तरह से कर सकते हैं, तो इस तरह से पर्सपेक्टिव कर सकते हैं आप अपने पिक्चर को, सेव भी कर सकते हैं। कर सकते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट यानी पर्सपेक्टिव कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर सकते हैं ओके। इस तरह से आप एक एक करके यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पिक्चर का लुक बेहतरीन पा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पेस्टल है, क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि उसी तरह से ये इफेक्ट अप्लाई हो गया। ऑयल बेस पर चाहिए तो ऑयल बेस पर ये आपका इमेज हो जाता है। आप यहाँ से उसका सैचुरेशन मेंटेन कर सकते हैं, स्ट्रोक का साइज हो गया, ह्यू वेरिएशंस हो गए टोटल। इस तरह से यहाँ से नॉइज हो गया या डिस्टॉर्ट हो गया, अगर आप डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे स्वेल फोटोशॉप वगैरह में होता है रिपेल वगैरह, तो आप इस सब का भी इस्तेमाल एक बेहतरीन रूप से कर सकते हैं। देखेंगे कि आपका इमेज किस तरह से ट्रेलिंग करेगा, घूमेगा, ये देखिए आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन रूप से ऐसे तो से आप ट्रेल भी कर सकते हैं। काउंटर क्लॉक वाइज में चाहिए तो आप काउंटर यानी कि इधर से मूव करना, क्लॉक वाइज मीन्स इधर से रोट मूव करना, तो डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से।
इस तरह करके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका टेक्सचर में प्लास्टिक बेस पर अगर आपको चाहिए इमेज को तो क्लिक कर दे तो ये प्लास्टिक मोड में हो जाता है, देख सकते हैं। इसे आप किसी टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं इसे डिलीट करता हूँ और मैंने यहाँ कुछ लिख दिया, जैसे यहाँ लिखा मैंने। माया ट्यूटर्स और इसे मैंने बोल्ड भी कर दिया थोड़ा और कलर भी चेंज कर दिया, एक बैकग्राउंड में दे देता हूँ और कंट्रोल सब फेस डाउन करके इसे बैक कर देता हूँ। तो क्लिक करके और जब आप बिटमैप में जाते हैं तो यहाँ देखेंगे कि कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। तो मैंने बताया कि जब यहाँ वर्क ना करे कोई भी ऑप्शन, कोई भी इफेक्ट, तब कन्वर्ट टू बिटमैप में क्लिक करें और यहाँ से हम लोग तीनों को टिक करके 450 का रेजोल्यूशन काफ़ी होता है, DPI मीन्स डॉट पर इंच, यानी पर इंच में 450 पिक्सल्स होंगे। ओके, होने के बाद आप यहाँ कोई भी इफेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे टेक्सचर में यूज करना चाहते टेक्सचर में जाए तो क्या हर इफेक्ट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो टेक्सचर में यूज करना तो टेक्सचर में जाके यहाँ जैसे मैं प्लास्टिक जो इसको इसको करना चाहता हूँ तो क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि किस तरह से आपका जो टेक्स्ट है वो प्लास्टिक जैसा हो गया। देखिए एक बेहतरीन लुक दे सकते हैं इस तरह से, वाह चॉकलेटी भी शो कर रहा है ये। तो इस तरह से आप इसे प्लास्टिक मोड भी दे सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि चॉकलेट बेस्ड चॉकलेट जैसा भी आप अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं। शैडो वगैरह अगर आपको शो करना हो तो क्लिक करके बस यहाँ शैडो में जाएं और आगे कर देता हूँ। इस तरह से आप एक बेहतरीन टेक्स्ट भी पा सकते हैं और बिटमैप में इफेक्ट्स का यूज करके। थैंक यू।